मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 70, 42, 63, 34, 44, 54, 55, 46, 36, 48 फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो मीडियन से अपने को मीडियन के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन के रिस्पेक्ट में अगर अपने को मीन डेविएशन निकालना है तो अपने को पहले मीडियन निकालना होगा। तो मीडियन के लिए अपन क्या करते हैं, मीडियन के लिए जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। तो अगर अपन इसके लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन जो ऑब्जर्वेशन सबसे लीस्ट है उसको अपन सबसे पहले लिखेंगे। तो यह जाएगा लीस्ट ऑब्जर्वेशन 34। 34 के बाद अगर अपन देखें नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू वो क्या है, 38। 38 के बाद नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू है 42। 42 के बाद यहाँ पे गिवन है 44। 44 के बाद अगर अपन देखें यहाँ पे तो 46 है। 46 के बाद यहाँ पे 48। 48 के बाद जो वैल्यू होगी यहाँ पे 48 के बाद वैल्यू होगी 54। 54 54 के बाद वैल्यू 55। 55 के बाद वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 63 और ये वैल्यू आ जाएगा 70। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है जिसको अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब मीडियन इसका कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुआ तो मिडिल टर्म जो होगा वो डायरेक्ट मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेट से इसको अगर अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है। तो मीडियन जो होगा तो इसके लिए कोई भी अपन मिडिल टर्म नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए मीडियन होता है, मीडियन होता है एवरेज ऑफ, अगर ये एन जो हो वो इवन हो तो इस केस में मीडियन होता है एवरेज ऑफ एन बाय 2th टर्म एंड एन बाय 2th प्लस 1 टर्म। ठीक है, एन बाय 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है एन बाय 2th और एन बाय 2th प्लस 1 टर्म के लिए अपन 2th टर्म के क्या निकाले, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू 10 है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एवरेज ऑफ 5th एंड 6th टर्म। ठीक है, तो एन बाय 2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5, तो 5th टर्म देखे तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो 46 और 48 का एवरेज अपने को निकालना होगा। ठीक है, तो मीडियन के लिए अपन क्या निकालेंगे, 5th टर्म अगर अपन देखे तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो यह आ जाएगा 46 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे 47 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास मीडियन। अब अपने को क्या निकालना है, मीन अबाउट मीडियन। ठीक है, अपने को निकालना है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट, ठीक है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम। इसको मीडियन को अगर लेट से मैं यहाँ से एम रिप्रेजेंट करूँ तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम का मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 10, यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन अगर देखो तो ये क्या है 34, तो मीडियन क्या है यहाँ पे 47 निकला है, तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास 34 माइनस 47, इसका मॉडुलस वैल्यू प्लस नेक्स्ट टर्म इसके लिए क्या है यहाँ पे 38 माइनस 47, ये वैल्यू आ जाएगा 38 माइनस 47 मॉडुलस वैल्यू प्लस ये अपन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे नेक्स्ट टर्म 42, तो ये वैल्यू आ जाएगा 42 माइनस 47 मॉडुलस वैल्यू प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे 44, तो ये वैल्यू आ जाएगा 44 माइनस 47 मॉडुलस वैल्यू प्लस नेक्स्ट टर्म इसके लिए क्या था 44 के बाद यहाँ 46, ये वैल्यू आ जाएगा 46 माइनस 47 मॉडुलस वैल्यू प्लस नेक्स्ट टर्म इसमें था 48, ये वैल्यू आ जाएगा 48 माइनस 47 का मॉडुलस वैल्यू प्लस 48 के बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ पे था 54, तो ये वैल्यू आ जाएगा 54 माइनस 47 का मॉडुलस वैल्यू प्लस नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगा 54 के बाद 55, ये वैल्यू आ जाएगा 55 माइनस 47 का मॉडुलस वैल्यू प्लस, ठीक है, 55 के बाद 63, तो ये वैल्यू आ जाएगा 63 माइनस 47 का मॉडुलस वैल्यू प्लस नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 70 था, 63 के बाद यहाँ पे 70 था, तो वैल्यू आ जाएगा 70 माइनस 47 का मॉडुलस वैल्यू और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा। ठीक है, तो ये सम की वैल्यू अगर अपन देखें तो ये क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 34 है, 47 है तो माइनस 13, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 13 होगा प्लस यहाँ से इसकी वैल्यू देखें
ये 38 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 होगा, प्लस 42 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 42, 5 होगा प्लस 43, 4 है तो यहाँ पे 3 होगा, प्लस 1 होगा यहाँ पे नेक्स्ट 1 होगा, प्लस ये वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है 7 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 44 था, यहाँ पे 54 था और नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 55, ये टर्म्स आ जाएगा 8 प्लस 63 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो 63 क्या आ जाएगा यहाँ पे 46, 16 होगा यहाँ पे, प्लस इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा अपने पास 23 और डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे 10, ठीक है। अब अपन ये जो होगा ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा, इसका सम करें और अपन इसको क्या करें सम करके इसको 40 डिवाइड 10 से डिवाइड, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 86 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वैल्यू क्या आ गया 8.6 के अप्रोक्स। तो बेसिकली अपने को क्या निकालना था, मीडियन निकालना था, फिर ऑब्जर्वेशन का मीडियन के अप्रोक्स डेविएशन निकालना था और फिर उसका मीन निकालना था, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास 8.6, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2। तो पहले मीडियन निकालो फिर मीडियन के अबाउट डेविएशन निकाल के फिर उसका मीन एवरेज निकाल देंगे, ठीक है।